50 ब्लॉक में 20,000 गणतंत्र रक्षा करना चाहिए, ममता जी का जंगल राज खत्म करना चाहिए। बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में पंचायत इलेक्शन से पहले ही वहां पे तशद्दुद के वाकात सामने आए हैं। 8 जुलाई को वहां पे पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करने थे, 9 जून को जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नॉमिनेशन के लिए अपने फॉर्म्स लाए। उसके बाद हमने देखा कि 13 जून को वहां पे वायलेंस रिकॉर्ड की गई। जब अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जब स्टेट इलेक्शंस हुए थे तब भी ऐसे वाकात वहां पे रोनुमा हुए थे। अब जो 2024 में अब की लोकसभा के इलेक्शंस की तैयारियां पूरे देश में चल रही है, उस भी चाहे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें वहां पे भी ऐसे मामलात सामने आए। चाहे मणिपुर की बात करें, मणिपुर में भी तशद्दुद के वाकात सामने रोनुमा हो रहे हैं। इस बीच अब वेस्ट बंगाल में जो पंचायत इलेक्शंस 8 जुलाई को कंडक्ट करने थे और अपोजिशन पार्टियों का ये इल्जाम है कि जो वहां पे वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वो हमारे कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फॉर्म भी सबमिट नहीं करने दे रहे हैं। चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो वहां पे सरकार है वो नॉमिनेशन फॉर्म भी हमें सबमिट नहीं करने देते हैं। इस बीच अब ये खबरें आ रही कि वहां पे वायलेंस की खबरें भी आ रही है, और साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि अब वहां पे CRPF की डिप्लॉयमेंट भी कर दी गई है। आपको बता दूं कि 16,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने थे, जिनका कहना है कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म भी सबमिट करने नहीं दिया गया है। और आपको बता दूं कि 3,317 ग्राम पंचायतें हैं जहां पे वेस्ट बंगाल में जिन पे इलेक्शंस होने वाले हैं। इस बीच पहले ही ऐसे वायलेंस वहां पे देखी गई है। जब भी हम देख रहे हैं क्या जो ही नजदीक आते हैं, चाहे लोकसभा की बात करें, हम स्टेट इलेक्शंस की बात करें या पंचायत की बात करें, तो ऐसे वाकात सामने आ रहे हैं। फिर अपडेट के लिए आप बने रहे इस रिपोर्ट।